नाभा में पंजाब यूथ कांग्रेस के द्वारा विशाल कार रैली का आयोजन किया गया। इस कार रैली में 100 से ज्यादा कारों के काफिले नाभा से रवाना हुए। रैली का मुख्य मकसद था कि मोदी सरकार के द्वारा देश को बांटा जा रहा है और दलित समाज के लोगों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को जागृत करने के लिए यह रैली नाभा से रवाना की गई, जो अमृतसर संपन्न होगी। इस मौके पर यूथ कांग्रेस पंजाब के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ढिल्लो नरेंद्र मोदी के द्वारा संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जो कि हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी, जिसके चलते पंजाब यूथ कांग्रेस के वाइस अध्यक्ष बनी खेरा के द्वारा जागरूकता कार रैली निकाली जा रही है, ताकि लोगों को पता चल सके कि बीजेपी सरकार के क्या मंसूबे हैं। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के इंचार्ज बंटी ने कहा कि मोदी सरकार और आरएसएस मिलकर संविधान को खत्म कर रही हैं, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और यूथ कांग्रेस के द्वारा उपराला की है बहुत ही सराहनीय कदम है। जो प्रोग्राम सेगा जेडी सुप्रीम कोर्ट ने दो जजा दी बेंच ने संविधान दे अगेंस्ट पर आरक्षण नूं लेके एक फैसला दिता सीगा भी जेडी स्टेट गवर्नमेंट ने वह आरक्षण लागू करन दे विच पाबंद नहीं हैगियां, ते जेड़ा आरक्षण आ मौलिक अधिकार नहीं एससी एसटी बीसी दा, ते उस चीज़ नूं लेके असीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिन्नी बार भी असीं देखिया गया मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के जरिए साढ़े दलित भाईचारे नूं ओबीसी भाईचारे नूं एसटी भाईचारे नूं दबाने की कोशिश करती है, तो साड़ी अज यह इस यात्रा के जरिए मंग आ भी जिहड़ा सैक्शन 9 दे विच जिहड़ी इह तरह दीआं गल्लां ने इसनूं पा दित्ता जाण ताकि छेड़छाड़ जिहड़ी हुंदी आ खत्म हो जाए। तो नाल ही असीं जिहड़ी इक यात्रा शुरू कर रहे उहदा नाम रख्या अंबेडकर साहब देश दा मान, हर घर संविधान, तो नाल संविधान साडी जान, क्योंकि संविधान तो बिना भारत कुछ नहीं, संविधान तो बिना देश कुछ नहीं। संविधान एक इहो जी ग्रंथ लिखा गया अंबेडकर साहब के द्वारा जिहदे विच सारे लोग बराबर दित्ते गए ने, सारे लोगों नूं बराबर दित्ती गई है। इह नाभे तों लैके अमृतसर तक जा रहे हैं जी। साढ़े ना 100-150 गड्डी है, तो अगे भी काफिला जुड़ता जाएगा, तो उस तो बाद साढ़े दलित भाईचारे के लोग ऐसी साढ़े यूथ कांग्रेस के साथी नाल जुड़ते जाएंगे। धन्यवाद जी। जो है मोदी वालों लगातार अत्याचार किया जाता, नवे नवे कानून बनाए जा रहे हैं, बस इतना ही है। युवा कांग्रेस के माध्यम से हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष है वीरेंद्र ढिल्लो जी और जिन्होंने इस रैली का आयोजन किया, ये रैली का आयोजन ये हमारे बन्नी खेरा जी वाइस प्रधान है हमारे पंजाब युवा कांग्रेस के, और इन्होंने एक जुनून है इनमें एक जुनून है कि जिस प्रकार से जो है एससी भाईचारा को तोड़ने के काम उसी प्रकार से एससीओ को ओबीसी से, ओबीसीओ को एसटी से और हिंदू समाज से, हर समाज से लड़वाने का काम जो है एक प्रकार से जो है नरेंद्र मोदी और आरएसएस जो कर रहे हैं, तो आज के युवाओं को, नई पीढ़ी को जागरूक करने का काम जो है बन्नी खेरा के माध्यम से जो हमारे वाइस प्रधान है पंजाब युवा कांग्रेस के, ये आज नब्बा से लेकर तो अमृतसर 250 किलोमीटर की जो है ये यात्रा निकाल कर युवा को जागरूक करने वाले हैं, और यह संदेश देना चाहते हैं युवा कांग्रेस के माध्यम से कि संविधान मेरी जान। आज जो है आज इस प्रकार से जो है षड्यंत्र रचकर नरेंद्र मोदी और आरएसएस वाले जो है ये भाईचारा तोड़ने का काम कर रहे हैं, संविधान बचाने का काम अगर कोई कर रहा होगा तो बन्नी खेरा, वीरेंद्र ढिल्लो और पंजाब युवा कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस ये कर रही है।